सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दही जमाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बेसिकली इसको जमाना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप कुछ ट्रिक्स हैं उसके साथ दही को जमाएंगे तो आपका दही एकदम परफेक्ट जमेगा। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे जमाएंगे। दही जमाने के लिए मैंने एक ग्लास फुल फैट दूध लिया है। आप लो फैट दूध में भी दही जमा सकते हैं, लेकिन फिर आपके दही में थोड़ा पानी रहेगा, वो थोड़ा पतला रहेगा। और ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने स्टार्टर लिया है, इसको जामन भी बोलते हैं। एक टेबल स्पून में हाफ के जी दही आराम से जमाया जा सकता है। और ये एक हरी मिर्च ली है, ये ऑप्शनल है। हरी मिर्च को इसके स्टेम के साथ लेना है। इसके स्टेम में ही वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दही को परफेक्ट जमाने में मदद करता है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप हरी मिर्च भी ऐड करें। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और जितना दही हमें जमाना है उसको हम उस पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम सिर्फ इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए गर्म करेंगे। हमें इसको सिर्फ गुनगुना करना है, यानी कि ल्यूक वार्म करना है। इसको हमें तेज़ गर्म बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपका दूध तेज़ गर्म हो जाएगा तो फिर दही जमाते टाइम वो फट जाएगा और उसमें से पानी अलग हो जाएगा। तो अब 1 मिनट हो गया है, मैं गैस बंद कर देती हूँ। और देखिए मैं इसको चेक करती हूँ। देखिए मैंने इसमें फिंगर डाली है तो मेरी फिंगर जल नहीं रही है, बस मुझको इतना महसूस हो रहा है कि ये अच्छा गर्म हो गया है। तो इतना ही हमें गर्म दूध चाहिए है, बस ये परफेक्ट गर्म है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब दही को जमाने के लिए हम कोई भी बाउल ले लेंगे और उसमें जो स्टार्टर है यानी कि जो जामन है हम उसको उसमें डाल देंगे और इस तरह से उसको चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे गुनगुना किया हुआ दूध। और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके अंदर जो हमने हरी मिर्च ली है उसको इसमें डाल देंगे और इस तरह से डालेंगे कि हरी मिर्च पूरी इसमें डूब जाए। और ख़ास तौर से जो इसका स्टेम है यानी कि इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो ज़रूर इसमें डूब जाना चाहिए। अब हम इसको किसी भी चीज़ से कवर कर देंगे और इसको 6 घंटे के लिए हम कम से कम जमने के लिए रख देंगे। जब आप इसको जमने के लिए रखें तो इसको बार बार टच ना करें। और अगर विंटर का सीज़न है तो आप इसको कैसरोल में या फिर हॉट पॉट में रख सकते हैं। और अगर गर्मी का सीज़न है तो आप इसे किसी भी वार्म प्लेस पर जैसे फ्रिज के ऊपर या अलमारी के अंदर रख दें। और 6 घंटे के बाद मैं आपको इसके रिज़ल्ट सिखाती हूँ ये कैसा जमाएँ। 5 से 6 घंटे के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा परफेक्ट दही जमकर तैयार है। ये देखिए इसको इतना हिलाने डुलाने पर भी इसका पानी सेपरेट नहीं हो रहा है, ये बहुत ही परफेक्ट जमा है। अब हम इसके अंदर से ये हरी मिर्च को रिमूव कर देंगे। और ये देखिए मैं आपको चम्मच में निकाल कर दिखाती हूँ ये कितना परफेक्ट जमा है। तो परफेक्ट दही जमाने का नंबर 1 टिप है कि आपको दूध गाढ़ा लेना है। अगर दूध पतला है तो आप उसको 5 मिनट एक्स्ट्रा बॉयल करके उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए। टिप नंबर 2, दही जमाने के लिए जो आपने जामन या स्टार्टर लिया है वो आपको एकदम फ्रेश लेना है। अगर वो स्टेल है या बासी है तो आपका दही खट्टा हो जाएगा। टिप नंबर 3, आपने जो हरी मिर्च ली है उसमें उसका ऊपरी हिस्सा यानी कि उसका स्टेम ज़रूर होना चाहिए और वो दूध में कम्प्लीटली डिप होनी चाहिए जब आप उसको जमने रखें। टिप नंबर 4, अगर आप सर्दियों में दही जमा रहे हैं तो आप उसको हॉट पॉट के अंदर या माइक्रो ओवन के अंदर रख दें जहां पर बिल्कुल गर्म एनवायरनमेंट मिले उसको। और टिप नंबर 5, जब आप दही को जमाने के लिए रखें तो आप उसको बार बार टच ना करें, उसको एज इट इज़ उसी पोजीशन में रखे रहने दें जैसे आपने फर्स्ट टाइम उसको रखा है। टिप नंबर 6, अगर आप गर्मियों में दही जमा रहे हैं तो आप उसको कैसरोल में या फिर माइक्रो ओवन के अंदर ना रखें वरना वो पानी छोड़ देगा। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।